नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रोनिक। चलिए दोस्तों, से शुरुआत करते हैं। आज आज का शेयर है वो अशोक लेलैंड के बारे में बात करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, आज है 9 दिसंबर और दिन के 12:40 हो रहे हैं, लाइव मार्केट ओपन है। तो अशोक लेलैंड में मुझे लगता है जो रिकवरी का मूवमेंट है चालू हो गया। मुझे लगता है कि अब जिसमें टारगेट देने वाले 10 से 15 दिन में तीनों टारगेट होंगे, क्योंकि जिसमें गिरावट होनी थी वो गिरावट हो चुकी है। थोड़ा सा आप समझते हैं अशोक लेलैंड के बारे में, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अशोक लेलैंड के बारे में समझते हैं। अशोक लेलैंड करते क्या, अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपनी कमर्शियल व्हीकल। आप देख सकते हैं इस तरह के टेम्पो ट्रैवल बसेस, ये कंपनी का काम है, ठीक है ना। सारा कमर्शियल व्हीकल का काम कंपनी का, अशोक लेलैंड का। तो निफ्टी के साथ बहुत तेज़ी से गिरता, बहुत तेज़ी से बढ़ता भी। अशोक लेलैंड में जो डाउनफॉल थे वो खत्म हो चुके हैं। अब अशोक लेलैंड का जो है रिकवरी की तरफ फिर से चल चुका है इसका शेयर। अब समझते हैं इसके अंदर चल क्या रहा है आज के दिन में, ये देखते हैं। कब से कंपनी है, 74 ईयर से सर्विस दे रही है कंपनी, मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके अंदर आज चल क्या रहा है। ये अशोक लेलैंड का मैंने गूगल पे ओवरव्यू ओपन कर लिया है। तो ये कब से रनिंग कंपनी है, 7 सितंबर 1948 से। तो आज के दिन ये 2.5% से ऊपर की अबव ट्रेडिंग पर कर रहा है इस टाइम पे, 2% के आसपास प्लस में पॉजिटिव में चल रहा है इस टाइम पे शेयर। तो आज ही ओपन होता है 127.80 पे, हाई मारा इसने अभी 128.20 का, लो मारा 125.85 का, 52 हाई है 153.50, 52 लो है 87.25 का। तो इसने 5 दिन में हमें कितने रिटर्न दिए अभी तक, इसने 5% 5 दिन में दिए हैं। 1 मंथ के अंदर अभी तक इन्हें माइनस में 14% दिए हैं। 6 मंथ के अंदर अभी तक इन्हें 1% पॉजिटिव में दिया। ईयर टू डेट के अंदर अभी तक उन्हें 29% दिया अभी तक। अब देखिए इसके अंदर NSE की साइड में मैंने ओपन कर लिया, देखते हैं कि इसके अंदर आज कितनी डिलीवरी उठा दी गई है 12 बजे तक, देखते हैं। तो ये देखिए 9 दिसंबर 2021 12 बजे तक इसके अंदर 41% डिलीवरी उठा दी गई है। इसका इंडिकेशन है कि शेयर में कुछ मूवमेंट हो रही है, इस वजह से इसमें डिलीवरी उठाई गई है। तो डिलीवरी उठाने का मतलब होल्डिंग में गए लोगों ने, होल्ड किया शेयर को। तो आज के दिन इसने अभी तक इसमें कितनी होल्डिंग उठ गई है, 41%। अब समझते हैं शेयर के अंदर चल क्या रहा है। तो ये देखिए मैंने इसका डेली चार्ट ओपन कर लिया। तो देखिए हमें क्या करना है, ये देखिए ये किस तरह से करेक्टिव वॉक किस तरह से अप ट्रेंडिंग की तरफ हो चुका है। कल जो इन्वर्टेड जो जिस तरह से हैमर कैंडल बन रही है लगातार 2 दिन से, पहले इन्वर्टेड हैमर, फिर हैमर, आज फिर हैमर कैंडल को बुलिश हैमर कैंडल बनेगी आज के दिन में। तो इसका इंडिकेशन है कि भैया इसमें जो गिरावट थी, गिरावट खत्म हो गई, डाउनफॉल का ट्रेंड था वो रिवर्सल हो चुका है, अब ट्रेंडिंग की तरफ आ जा चुका है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से डाउनफॉल तक कवर करके। तो हमें जो इसमें स्टॉप लॉस रखना वो रखना है, स्टॉप लॉस 120 के स्टॉप लॉस से बाय करिए। तो इसमें जो मेरा पहला टारगेट है शायद वो आज ही हिट हो जाए। पहला टारगेट है मेरा 130 रुपये का, पहला टारगेट है मेरा 130 का, क्योंकि जो इसमें करेक्टिव मोड पे आ रहा है ये MACD, देखिए इसका यहाँ पे क्रॉस मूविंग आ रहा है। ये MACD के बाद इसके अंदर जो क्रॉस मूविंग आ रहा है ये देखिए, ये यहाँ पे क्रॉस मूविंग आ रहा है। तो MACD आ रहा है यहाँ पे और RSI कितने का अबव चला गया, 40 का अबव जा चुका है। तो MACD पे या RSI पे अब ट्रेंडिंग की तरफ आ चुका है। तो ये देखिए किस तरह से अब ट्रेंडिंग की तरफ आ चुका है। तो RSI MACD अब ट्रेंडिंग की तरफ है, तो क्रॉस रिवर्सल अब ट्रेंडिंग की तरफ आ चुका है वापस। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो थी, पहले इन्वर्टेड है फिर हैमर कैंडल फिर से ट्रेड हो रही है आज के दिन में। तो हैमर कैंडल का मतलब है कि अब ट्रेंडिंग आएगा। तो हमें 120 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। पहला टारगेट हमारा आएगा 130 का, जैसे ही 130 को कवर करेगा, क्योंकि ये जो 130 का करने का यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है इन कैंडलों पे। तो दूसरा टारगेट है मेरा 135 का, ठीक है। दूसरा टारगेट मेरा 135 का, जैसे 135 कवर करेगा वो आएगा इस कैंडल पे आएगा। तो ये कैंडल जो बनी है 140 तक के, तो तीसरा टारगेट है मेरा 140 का। 3 टारगेट में बाकी पैसा होल्ड रखिए। ये देख सकते हैं आप किस तरह से इसमें रिवर्सल आ चुका है, शेयर के अंदर मूवमेंट बनने को तैयार बैठा हुआ है। तो 120 के स्टॉप लॉस से बाय करिए, पहला टारगेट 130 का, दूसरा टारगेट 135 का, तीसरा टारगेट 140 का, 3 टारगेट बाय करिए। RSI MACD पे इंडिकेशन आपको किस तरह से दिख रहा है, मूवमेंट काफ़ी अच्छा बन चुका है। अब थोड़ा वीकली भी देख लेते हैं अपन लोग। तो ये देखिए वीकली पे किस तरह से क्रॉस मूव के लिए तैयार हो रहा है शेयर, ये देखिए कितनी बुलिश कैंडल ट्रेड हो रही है वीकली पे भी। तो ये देखिए वीकली पे RSI इंडिकेशन दे चुका है अब ट्रेड नहीं करता, तो डेफिनेटली बाय करिए, पिछले होल्ड रखिए। थोड़ा सा और समझते इसके अंदर क्या चल रहा है। ये देखिए मैंने इसके इसमें 73% हमें टिकट टाइप के सेट बोल रहे हैं इसमें बाय करने के लिए। इसमें न्यूज़ क्या चल रही है वो देख लेते हैं। यस सिक्योरिटी वालों ने इसमें टारगेट दिए 134 के, देखिए मेरे टारगेट के आसपास दिए हैं, पहला दूसरा टारगेट के आसपास। तो अशोक लेलैंड ने कल के दिन में कितना राइज करा था, 1 पॉइंट, यानी वो जो आज के डेट में ट्रेड करा उसी ट्रेड पर अशोक लेलैंड चल रहा है आज के डेट पे। तो हमें क्या करना है, हमारे को 120 के स्टॉप लॉस से बाय करिए। तो पहला टारगेट आएगा आपको 130 का, दूसरा टारगेट 135, तीसरा टारगेट 140 का, 3 टारगेट का बाय करिए, पैसे का होल्ड रखिए। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।